हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे द कैसल ऑफ ओटेंटो, जो हॉरेस वालपोल द्वारा लिखा गया एक नॉवेल है। तो चलिए बात करते हैं। उससे पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, इस नोट्स का, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सॉरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। थैंक। द कैसल ऑफ ओटेंटो इज ए गॉथिक नॉवल। द कैसल ऑफ ओटेंटो एक गॉथिक नॉवल है। इट इज रिटन बाय हॉरेस वालपोल। इसको हॉरेस वालपोल द्वारा लिखा गया है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1764। इसको पहली बार 1764 ईस्वी में पब्लिश किया गया था। इट इज़ जनरली रिगार्डेड एज द फर्स्ट गॉथिक नॉवल। इसको फर्स्ट गॉथिक नॉवल के रूप में जाना जाता है, माना जाता है। इन द सेकेंड एडिशन में वालपोल अप्लाइड द वर्ड गॉथिक। गॉथिक वर्ड लागू किया था वालपोल ने टू द नॉवेल, इस नॉवेल के लिए। इन द सब टाइटल, ये गॉथिक स्टोरी एक सब टाइटल, इसके बाद मतलब द कैसल ऑफ ओटेंटो के बाद एक गॉथिक स्टोरी एक सब टाइटल के रूप में लगा दिया था। वालपोल वॉज इंस्पायर्ड टू राइट दिस स्टोरी। वालपोल इंस्पायर हुआ था इस स्टोरी को लिखने के लिए आफ्टर ए नाइट मेयर ही हैड एट हिज गॉथिक रिवाइवल होम इन साउथ वेस्ट लंदन में एक गॉथिक रिवाइवल जहाँ ये रहता था, वहीं एक नाइट मेयर एक पूरा सपना देखा था, वहीं से इंस्पायर हुए इसको लिखने के लिए। हॉरेस वालपोल वॉज बॉर्न इन 24 सितंबर 1717। हॉरेस वालपोल का जन्म 24 सितंबर 1717 में हुआ था इन लंदन यूनाइटेड किंगडम में, एंड वॉज डेड इन 2 मार्च 1797। और इसकी मृत्यु 2 मार्च 1797 में इन लंदन में हुआ था। ही वॉज रॉबर्ट वालपोल्स सन। रॉबर्ट वालपोल वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। ये रॉबर्ट वालपोल का बेटा थे और रॉबर्ट वालपोल वहाँ के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के। सम नोटेबल्स वर्क ऑफ हिज यार, इसके सम नोटेबल्स वर्क हैं, जो प्रसिद्ध इसका जो वर्क है वो है द मिस्टीरियस मदर, जो 1768 में पब्लिश हुआ था। ये डिकेड ऑफ फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन, जो 1960 में पब्लिश हुआ था। थ्री गॉथिक नॉवल्स, जो 1966 में पब्लिश हुआ था, सॉरी यहाँ 1960 में पब्लिश हुआ था। और द क्रैप ऑफ टेरर, जो 1966 में पब्लिश हुआ था। अब इस जो नॉवेल है उसके कुछ करेक्टर हैं, उसमें तो पहला जो मैनफ्रेड, ये एंटागोनिस्ट होता है, प्रोटागोनिस्ट हीरो को बोलते हैं, और ये विलन के रूप में काम किया इसलिए इसको एंटागोनिस्ट बोलते हैं। मैनफ्रेड द लॉर्ड ऑफ द कैसल ऑफ ओटेंटो, ये कैसल ऑफ ओटेंटो के लॉर्ड हैं। ही इज द फादर ऑफ कॉन्रेड एंड मतिल्दा, और ये कॉन्रेड और मतिल्दा के पिता हैं। एंड द हस्बैंड ऑफ हिपोलिटा, हिपोलिटा के पति हैं। अब हिपोलिटा कौन है? हिपोलिटा इज द वाइफ ऑफ मैनफ्रेड एंड मदर ऑफ कॉन्रेड एंड मतिल्दा। ये वाइफ है मैनफ्रेड के और कॉन्रेड और मतिल्दा के माँ हैं। कॉन्रेड ही इज 15 ईयर्स ओल्ड सन ऑफ मैनफ्रेड एंड हिपोलिटा। हिपोलिटा और मैनफ्रेड के 15 साल का बेटा है। एंड द अंगर ब्रदर ऑफ मतिल्दा, और मतिल्दा का अंगर ब्रदर है। अब मतिल्दा इज द डॉटर ऑफ मैनफ्रेड एंड हिपोलिटा। मतिल्दा इज दोनों की बेटी, हिपोलिटा और मैनफ्रेड की, सॉरी मतिल्दा होगा। इसाबेला सी इज द डॉटर ऑफ फ्रेडरिक, फ्रेडरिक की बेटी है। एंड फियांसी ऑफ कॉन्रेड, और कॉन्रेड की मंगेतर होती है एट द बिगनिंग ऑफ द नॉवेल, नॉवेल के शुरुआती समय में जब नॉवेल शुरुआत होता है उस समय इसकी एक मंगेतर होती है। थियोडोर ही इज द हीरो ऑफ दिस नॉवेल, बट एट द बिगनिंग ऑफ दिस नॉवेल थियोडोर अपीयर्स टू बी ए माइनर करेक्टर। ये इस नॉवेल का हीरो है, बट नॉवेल के शुरुआत में इसको माइनर करेक्टर के रूप में देखा गया है। द स्टोरी बिगिन्स विथ मैनफ्रेड हु इज द लॉर्ड ऑफ द कैसल ऑफ ओटेंटो। यह स्टोरी शुरुआत होती है मैनफ्रेड से, जो कैसल ऑफ ओटेंटो के लॉर्ड हैं। देर आर फोर मेम्बर्स इन हिज फैमिली, इसके फैमिली में 4 मेम्बर हैं। हिज सन कॉन्रेड इज अबाउट टू बी मैरिड टू इसाबेला, और इसके जो बेटा है कॉन्रेड उसकी शादी इसाबेला के साथ होने वाली होती है।
एवरीवन इज वेरी एक्साइटेड अबाउट द वेडिंग, शादी को लेकर सब बहुत सा उत्साहित होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। एवरीवन आर हैप्पी बट देयर हैप्पीनेस डोंट लॉन्ग लाइफ, बट सभी लोग खुश होते हैं बट सभी का जो खुशी है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। कॉनरेड डाइज ऑन वेडिंग डे डे बिफोर मैरिज, शादी के दिन ही, शादी से पहले कॉनरेड की मृत्यु हो जाती है। द पैलेस हैज ए स्टैचू ऑफ द फॉर्मर रूलर अल्फोंसो ऑफ दिस पैलेस, इस पैलेस के जो फॉर्मर रूलर है अल्फोंसो उसका एक स्टैचू है। हेलमेट ऑफ दिस स्टैचू ब्रेक ऑफ एंड फॉल्स ऑन द कॉनरेड, और इस स्टैचू का जो हेलमेट था वो कॉनरेड के ऊपर वहाँ से टूटता है और कॉनरेड के ऊपर गिर जाता है, ड्यू टू विच ही डाइज, और इसी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। देयर र्यूमर्स स्प्रेड अमंग द ऑल पीपल हु कम टू पार्टी, अब पार्टी में आए हुए सभी लोगों के बीच ये अफवाह फैल जाता है दैट इट वॉज बिकॉज ऑफ दैट प्रोफेसी दैट ही डाइड, सभी लोगों के बीच ये अफवाह फैल जाता है कि जो इसकी जो मृत्यु हुई थी वो उस भविष्यवाणी के वजह से हुई थी। ये प्रोफेसी वॉज मेड ऑन इज फैमिली दैट द पावर ऑफ दिस फैमिली विल रिमेन ऑन द कैसल ऑफ ऑट्रेंटो अनटिल द रियल हेयर ऑफ दिस फैमिली ग्रोज अप, इस परिवार के ऊपर एक भविष्यवाणी किया गया था कि इस परिवार का सत्ता इस कैसल ऑफ ऑट्रेंटो पर तभी तक रहेगा जब तक इस कैसल ऑफ ऑट्रेंटो का असली वारिस बड़ा नहीं हो जाता है। एज ही इज फिट टू रूल द पावर विल गो आउट टू मैनफ्रेड्स हैंड, जैसे ही इस महल का जो असली वारिस है वो जब बड़ा हो जाएगा सत्ता चलाने लायक हो जाएगा तो मैनफ्रेड के हाथ से पावर जो है शक्ति वो चली जाएगी। नाउ मैनफ्रेड बिगन टू फियर दैट हिज सन हैज डाइड बिकॉज ऑफ दिस, अब मैनफ्रेड डरने लगता है कि इसी भविष्यवाणी की वजह से मेरा बेटा की मृत्यु हुई है। मीन्स द पावर ऑफ कैसल ऑफ ऑट्रेंटो इज गोइंग टू गो आउट ऑफ हिज हैंड, अब कैसे ये ऐसा सोचता है कि कैसल ऑफ ऑट्रेंटो का जो पावर है वो मेरे हाथों से चली जाएगी। देन ही थिंक्स दैट हिज वाइफ इज नो लॉन्गर स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैव अनदर चाइल्ड, तो वो सोचता है कि जो मेरी वाइफ है वो उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो एक और बेटा मतलब बच्चा पैदा कर सके। सिंस ही वॉन्टेड एन हेयर, क्योंकि वह एक वारिस चाहता था। एंड ही डिसाइड दैट ही विल मैरी हिज सन्स फियांसी, और वह डिसाइड करता है कि वो अपने जो बेटा के मंगेतर जो इसाबेल है जिसे शादी होने वाली होती है वह उसी से शादी कर लेगा। एंड डिवोर्स हिज वाइफ, और अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देगा। इसाबेला जब ये ऐसा करना चाहता है तो इसाबेला वहाँ से भाग जाती है और इसाबेला हाइड इन ये चर्च, और इसाबेला एक चर्च में छुप जाती है। थियोडोर इज काउट बाय मैनफ्रेड एंड सेंटेंस टू डेथ, और थियोडोर पकड़ा जाता है मैनफ्रेड के द्वारा और उसको डेथ की सज़ा सुना दी जाती है। थियोडोर को मैनफ्रेड इसलिए पकड़ता है और मृत्यु की सज़ा सुनाते हैं क्योंकि ये इसाबेला को भगाने और चर्च में छुपाने तक उसका साथ दिया था। द नेम ऑफ द पास्टर ऑफ द चर्च वेयर इसाबेला वेंट एंड हाइड वॉज फ्रेयर जोरम, जिस चर्च में वो छुपी थी और जहाँ भाग के वो छुपी थी इसाबेला, उस चर्च का जो पादरी है उसका नाम फ्रेयर जोरम है। फ्रेयर जोरम मैरिड अल्फोंसो डॉक्टर, जो फ्रेयर जोरम है वो अल्फोंसो की बेटी से शादी की थी। एंड अल्फोंसो वॉज द फॉर्मर रूलर ऑफ कैसल ऑफ ऑट्रेंटो, और जो अल्फोंसो है वो कैसल ऑफ ऑट्रेंटो का फॉर्मर रूलर है जिसका हेलमेट इसके ऊपर गिरा था कॉनरेड के ऊपर और उसकी मृत्यु हो गई थी। जेरोम कम्स टू मैनफ्रेड एंड एक्सप्लेन टू हिम बट ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन एनीथिंग, अब जेरोम मैनफ्रेड के पास आता है और उसको समझाता है बट वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वेन थियोडोर्स शर्ट इज रिमूव टू किल हिम, जब थियोडोर का शर्ट मतलब उतारा गया उसे मारने के लिए, जेरोम सॉ हिम एंड सॉ ए साइन ऑन हिज शोल्डर, तो जेरोम उसको देखता है और उसके शोल्डर पे एक चिन्ह देखता है, एक निशान देखता है।
एंड इमिडिएटली रिकॉग्नाइज दैट ही हैज हिज लॉस्ट सन, और वो तुरंत ही पहचान जाता है कि वह उसका खोया हुआ बेटा है। जेरम सेड टू मैनफ्रेड प्लीज डोंट किल हिम, अब जेरम उससे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि प्लीज मैं मतलब जो थियोडोर है उसको मत मारो। देन मैनफ्रेड सेड दैट ब्रिंग इसाबेला एंड टेक थियोडोर, तो मैनफ्रेड उसको बोलता है कि इसाबेला को ला और थियोडोर को ले जाओ। एंड ही लॉक्स थियोडोर इन ये टावर, और थियोडोर को एक टावर में लॉक कर लेता है। बट हिज डॉटर सेट हिम फ्री, बट उसकी जो बेटी मतिल्ला जो है मैनफ्रेड की बेटी वो इसे वहाँ से फ्री कर देती है। थियोडोर रीच इन ये चर्च, सॉरी रीचेज इन ये चर्च, थियोडोर एक चर्च में वही चर्च में पहुँचता है एंड टेक्स इसाबेला टू ए केव, और इसाबेला को एक केव में एक गुफा में ले जाता है। थियोडोर वाज फाइटिंग विथ मैनी वॉरियर, बहुत सारे योद्धाओं से वो युद्ध कर रहा होता है, लड़ाई कर रहा होता है टू सेव इसाबेला, इसाबेला को बचाने के लिए। वन ऑफ देम, उनमें से एक वाज इसाबेलाज फादर फ्रेडरिक, उनमें से एक इसाबेला का जो पिता फ्रेडरिक फ्रेडरिक है वो भी थे। नाउ द थ्री गो टू कैसल, अब ये तीनों कैसल पहुँच जाते हैं, वहाँ जाते हैं एंड फ्रेडरिक फॉल्स इन लव विथ मतिल्दा, और जो मतिल्दा है मैनफ्रेड की बेटी उसके प्यार में पड़ जाता है फ्रेडरिक, इसाबेला के पिता। नाउ मैनफ्रेड कम्स टू दीज थ्री, अब ये तीनों के पास मैनफ्रेड आते हैं। मैनफ्रेड नोटिस ऑन सीइंग थियोडोर, अब मैनफ्रेड थियोडोर को देख कर नोटिस करता है दैट हिज फेस इज सिमिलर टू अल्फांसो, कि इसका जो फेस है वो अल्फांसो से मिलता जुलता है। एंड ही टॉक अबाउट अल्फांसो, और अल्फांसो के बारे में उसको मतलब थियोडोर के बारे में, सॉरी जो मैनफ्रेड है वो थियोडोर को अपने बारे में पूछता है कि अपने बारे में बताओ, तो थियोडोर कहता है, थियोडोर सेज इन चाइल्डहुड, थियोडोर कहता है कि बचपन में ही वाज किडनैप बाय पिरेट्स, कि उसे डाकुओं द्वारा, समुद्री डाकुओं द्वारा किडनैप किया गया था। व्हेन ही इज रिलीज फ्रॉम देयर, जब वहाँ से छूटा मतलब डाकुओं से जब वो छूटा, ही कैम टू नो फ्रॉम हिज मदर्स डॉक्यूमेंट दैट हिज फादर इज ए प्रीस्ट, तब इसको अपनी मदर के डॉक्यूमेंट से पता चला कि इसके जो पिता हैं वो एक पादरी हैं, यहाँ प्रीस्ट मतलब पुजारी भी होता है। व्हेन मैनफ्रेड कम टू नो दैट फ्रेडरिक लव हिज डॉटर, जब मैनफ्रेड को पता चलता है कि वो मतलब जो फ्रेडरिक है वो उसकी बेटी से प्यार करता है, देन ही टू फ्रेडरिक दैट फ्रेडरिक मैरिड हिज डॉटर एंड ही विल मैरी फ्रेडरिक डॉटर, तब वो उसे कहता है कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो और मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर लूँगी। एंड ही एग्री, और फ्रेडरिक राजी भी हो जाता है। बट आफ्टर सम टाइम ही रिफ्यूज टू डू सो, बट वह कुछ समय बाद वो ऐसा करने से मना कर देता है। मैनफ्रेड कम्स टू नो दैट इसाबेला एंड थियोडोर आर टॉकिंग टू ईच अदर इन ए कॉर्नर ऑफ द पैलेस, अब मैनफ्रेड को पता चलता है कि इसाबेला और थियोडोर जो दिस पैलेस है मतलब जो महल है, महल के कोने में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। देन ही गेट्स एंग्री, तब वो गुस्सा आ जाता है। एंड ही किल्स हिज डॉटर विथ ए नाइफ मिस्टेकिंग हर फॉर इसाबेला, वह इसाबेला समझकर अपनी जो बेटी है मतिल्दा उसको ही हत्या कर देता है चाकू से। एंड फाइनली थियोडोर इज डिक्लेयर एज अल्फांसो हेयर, और थियोडोर को अल्फांसो का वारिस घोषित कर दिया जाता है। थियोडोर मैरिज इसाबेला एंड बिकम द रूलर ऑफ एट्रेंटो, और जो थियोडोर है वो इसाबेला से शादी कर लेता है और ओट्रेंटो का रूलर बन जाता है। और जो मैनफ्रेड है वो अभी भी दुख में, क्योंकि वो अपनी बेटी को मार दिया था। थैंक यू।